जी दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण परेड के बारे में। तो अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि शिक्षक बने, तो इसके लिए यहाँ पर जो है एक फॉर्म निकल के आए हैं, आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। और इन पदों पर जो लगभग लगभग 650 के करीब जो सीटें होंगी, इन पर आपको यहाँ पर जो है परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि आपको डीएलएड कोर्स करना पड़ेगा 2 साल का। इसके लिए कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन किस तरह करना है, सारा का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। फीस वीस और यहाँ पर इसका सिलेबस वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखते हैं उत्तराखंड के यूबीएससी की जो ऑफिशियल साइट है, और इसमें यहाँ पर आपको डीएलएड का अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जो है यूबीएससी के ऑफिशियल साइट में जाने के बाद से अलग से ऑप्शन में जाके ये आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको आवेदन करना है 2021-22 के लिए, यानी कि 2023 में निकाला है फॉर्म, 21-22 के लिए कोर्स चलेगा, जिसके लिए आप 1/3/2023 से आपका प्रारंभ होना शुरू हो चुका है, और पंजीकरण की जो लास्ट डेट है वो 28/3 को है। तो 28/3 तक कर सकते हैं, और भुगतान आपको यहाँ पर शुल्क का होगा। 31/3 तक आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है नवीन रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, और कैसे कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वो यहाँ पर आवेदन करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि स्टेप दे रखे हैं यहाँ पर कैसे कैसे करना है, लॉगिन अकाउंट करना है आपको, यहाँ पर लॉगिन करना है पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, और न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर ऑनलाइन। और इसमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जारी करे गए हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर देखते हैं कि 600 रुपये का शुल्क लेगा जनरल कैंडिडेट का, SC ST को यहाँ पर देखिए 300 रुपये का है, और OBC को भी 600 रुपये का है, और PH वालों को 150 रुपया है। तो ये सारा कुछ लगना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी फॉर्म फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे इसको सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद से इस पर जो यहाँ पर देखते हैं यहाँ ऑप्शन लॉगिन करना है, तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा, और इसमें यहाँ पर उसके बाद से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और उसके बाद फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेसिंग वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर जैसे है जियो डेट 17 करके लिखा गया है, इसकी नोटिफिकेशन आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी, ठीक है, और क्वेश्चन बुक लेटर सब कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, 2016 का, 19 का, 20 का, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने शुल्क बता दिया है। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, स्नातक चाहिए। अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया है स्नातक तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अनकम्प्लीट वाले नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये प्रोसेसिंग है, बाकी इसके PDF वगैरह डाउनलोड हो जाएंगे आपके। तो ये इसका जियो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और क्वेश्चन पेपर भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, पिछला क्वेश्चन पेपर जो आपको यहाँ पिछली बार हुआ था, और इसका पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखिए कितने कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें सबको लिखा होगा, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका एक एक प्रश्न का उत्तर होगा, और गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंक नहीं होगा। ठीक है, आपके माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं की जाएगी, ऋणात्मक नंबर नहीं होगा, आप पॉजिटिव वाले क्वेश्चन आपके सही माने जाएंगे। अगर गलत क्वेश्चन भी हो गया तो आपको उसका यहाँ हर्जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र सेम टू सेम होगा जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते पुराना, और सेम टू सेम होना है जिस तरह का आपका यहाँ पर लेवल है, जिसमें आपको यहाँ पर जो CDB क्वेश्चन होंगे लगभग लगभग आपको यहाँ पर, ठीक है, पैटर्न है इसमें अलग अलग, तो जैसे GK का क्वेश्चन है, और इसमें उसके बाद से यहाँ पर अलग सेक्शन आएंगे इसमें, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, पूरा पूरा PDF भी आपको मिल जाएगा इसमें। मैथ रीजनिंग भी आपके आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर उत्तराखंड GK भी देखने को मिलेंगे इसमें क्वेश्चंस। तो आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं इसके लिए। और इसके बाद क्या होता है कि 2 साल का कोर्स होता है आपके पास, 2 साल कोर्स करने के बाद से यहाँ पर अभी तक का जो रूल है, ठीक है, अभी तक के जो रूल है तो डीलर डालों की कन्फर्म नौकरी होती है। ठीक है, आगे रूल्स अगर चेंज होते तो वो अलग बात है, क्योंकि फिलहाल जो है प्रेफरेंस जो है डीलर डालों को दिया जाता है, उसके बाद नौकरी मिलती है बीएड डालों को। ठीक है, पहले डीलर कोर्स वाले को लेते हैं, इसमें आपके जो नंबर होंगे कट ऑफ के अनुसार बनेगा, सिर्फ कोर्स करना है, उसके बाद आपके यहाँ पर जो भर्तियाँ आती हैं उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपका चयन हो जाएगा। और अधिकतर जो है अभी तक का डीलर वालों का सबका ही नाम आ रखा है, आगे यहाँ पर किस तरह होगा क्या कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है इस तरह की अपडेट है, जो कि आप लोग देखते हैं, इनका चयन सिलेक्शन भी आपका सीधे सीधे यहाँ पर मेरिट बेस पे है, जो आपके एकेडमिक मेरिट होंगे। ठीक, तो इस तरह का है, जो भी करना चाहता है इसके ऑफिशियल साइट पर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये वेबसाइट आप लोग देख लीजिएगा, इसकी जो ऑफिशियल साइट है यही है। ठीक है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं।